हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में गाइस हम लोग देख रहे हैं वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर टू सॉल्यूशन। यस गाइस, बिफोर दिस वीडियो वी हैड ऑलरेडी टेकन द वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर वन विच वॉज सॉलिड स्टेट। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वन तो हो चुका है, अब चैप्टर वन के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू का वन शॉट वीडियो जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसके सारे ही पार्ट्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे। मेरे ख्याल से आई थिंक कि 12 की 13 पार्ट्स से टोटल पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सारी चीजें डिस्कस की थी। तो अब ये जो वीडियो है दिस विल बी वन शॉट वीडियो, मतलब एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आपका कम्प्लीट बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं, क्योंकि 12 के एग्जाम्स है काफी नियर। तो स्टार्ट करते हैं अपने वन शॉट वीडियो की सीरीज को, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आपने मिक्सचर को पढ़ा है, कंपोजिशन को पढ़ा है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखी कि 11th में आपने ये पढ़ा, तो ये अभी फिलहाल आपके कुछ भी काम का नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली आप सभी को ये बात भी बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है ना, ये आप सभी को पता है क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने गाइस ये देखा था कि सॉल्यूट मतलब वो चीज, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ शुगर सॉल्यूशन, सपोज मैं शुगर के सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो शुगर के सॉल्यूशन में आपने ये देखा कि शुगर जो है वो एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन जो है उसमें आप लोगों ने बेसिकली शुगर के अंदर में वाटर को ऐड किया, तो वाटर एक सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे आपने ये देखा, जैसे आप शुगर के सॉल्यूशन की बात करते हो या आप सॉल्ट के सॉल्यूशन की बात करते हो, तो शुगर वहां पे सॉल्यूट है और वाटर वहां पे सॉल्वेंट है। और जब आप शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो जो फॉर्म होगा वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। इन द सेम फैशन अगर सपोज मैं बात करती हूँ सॉल्ट के सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट जो रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा, वाटर जो रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, और जब भी आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डालेंगे तो उससे सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्ट और वाटर के कॉम्बिनेशन से, मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से आपका सॉल्यूशन बनता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब बेसिकली आगे बात कर रखी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन के कौन से टाइप्स होते हैं वो अपन लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है ना उसके अलग अलग फॉर्म में टाइप्स हो सकते हैं, देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ ये देखा कि सॉल्यूट जो होता है अगर वो सॉलिड है, तो सॉल्वेंट जो है अगर वो लिक्विड है, तो किस टाइप का आपका सॉल्यूशन बनेगा। फिर हो सकता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में, तो किस टाइप का सॉल्यूट बनेगा। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन किया है, उन्होंने किया कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस एक ही काम किया है, उन्होंने कभी सॉल्यूट के अंदर में सॉलिड को लिया, उन्होंने कभी सॉल्यूट को लिक्विड कंसिडर किया, और उन्होंने कभी सॉल्यूट को ही गैस कंसिडर किया। इन द सेम फैशन उन्होंने सॉल्वेंट को लिया और सॉल्वेंट में भी उन्होंने वही काम किया, कभी उन्होंने सॉल्वेंट को सॉलिड लिया, कभी उन्होंने सॉल्वेंट को लिक्विड लिया, और कभी उन्होंने सॉल्वेंट को गैस लिया, और अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक किए कि सॉलिड के साथ सॉलिड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉलिड के साथ लिक्विड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉलिड के साथ गैस का कॉम्बिनेशन क्या होगा। इन द सेम फैशन ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके देखे और उसके एग्जाम्पल्स लिखे, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ना तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रीजन ये है क्योंकि ये काफी आपके लोअर क्लासेस में हो गया है, तो हायर क्लासेस में इसको कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज कंसिडर कर रहे हैं कि जब भी आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर में डालते हो तो उससे सोल्यूशन बनता है। ये जैसे आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग सोल्यूट के अंदर में सॉल्वेंट को डालते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, वही वाली चीज यहाँ पे भी लिखी है। लेकिन देखो दो प्रोसेस होती है, पहली प्रोसेस ये है कि जब हम सॉल्यूट के अंदर में सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और उससे सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोला जाता है। रीजन ये है क्योंकि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व कर रहे हो, इसलिए उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन। तो आपको नाम याद नहीं रखना है कि उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं, आप बस इतना ही याद रखो कि बेसिकली हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर में डिसोल्व कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम भी क्या है, डिसोल्यूशन। फिर सेकंड है आपका सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाते हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस है, अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे
और उससे सॉल्यूशन बनेगा तो उस प्रोसेस का नाम रहेगा डिसोल्यूशन। और अगर आप सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाते हो तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपके सॉल्यूशन रहते हैं ना उसके टोटल तीन मेजर टाइप्स होते हैं। तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन से थ्री मेजर टाइप्स है। तो पहला जो टाइप है वो है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड जो टाइप है वो है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी पढ़ाया था गाइस कि सॉल्यूशन के टोटल तीन मेजर टाइप्स है, राइट, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रखा है, मैक्सिमम अमाउंट मतलब ही इक्विलिब्रियम अमाउंट। जैसे कि सपोज मैं बात करती हूँ एक ग्लास वाटर की, तो एक ग्लास वाटर के अंदर में जितना सॉल्ट या जितना शुगर मैं ऐड कर सकती हूँ उसको बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट। उस अमाउंट से ज्यादा अगर मैंने उस सॉल्यूशन के अंदर में या सॉल्वेंट के अंदर में उस सॉल्यूट को डाला तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, तो एक ग्लास पानी में कितने तो भी टीस्पून ही हम लोग ऐड कर सकते, उसके ऊपर ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मैंने मैक्सिमम अमाउंट को ऐड किया, मैक्सिमम अमाउंट मतलब ही इक्विलिब्रियम अमाउंट को सॉल्यूट को ऐड किया, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर में या सॉल्वेंट के अंदर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते, मतलब ही इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन अब पूरा तरीके से सैचुरेट हो गया। सेकंड था आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन के अंदर में इक्विलिब्रियम अमाउंट से ग्रेटर अमाउंट में डालते हैं, क्योंकि नाम ही है सुपर सैचुरेटेड, सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर, आप लोगों ने सुना होगा ना, सुपर से भी ऊपर ही होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें इक्विलिब्रियम अमाउंट से ज्यादा है और अनसैचुरेटेड में इक्विलिब्रियम अमाउंट से कम। तो अपन लोग एक बार रिवाइज कर लेते तीनों के तीनों चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये वाली चीज पूछी जा सकती है इसलिए अपन को पता होना चाहिए बेसिकली। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये क्या कहता है, जरा इधर ध्यान देना। सबसे पहला मैंने आप लोगों को ये बताया भाई कि अगर मैं बात करती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अमाउंट है। याद रखना है आपको ये चीज कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बताया आपको सुपर सैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड में इक्विलिब्रियम अमाउंट से ज्यादा है। फिर मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में इक्विलिब्रियम अमाउंट से कम है। तो ये तीन चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिकली सॉल्युबिलिटी। अगर आप ध्यान देते हो तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी अमाउंट होता है सॉल्यूट का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया यूनिट वॉल्यूम में, मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट हम सॉल्यूट का ऐड करते हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। जितना अमाउंट हम ऐड करेंगे यूनिट वॉल्यूम में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, उसको सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। और आपको सॉल्युबिलिटी का यूनिट भी याद रखना है। सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लो कि सॉल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है। उसके बाद में है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिनके वजह से सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू है वो चेंज होते जाता है। तो ऐसे टोटल देखा जाए तो थ्री मेजर फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें से जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही तो आपका सॉल्यूशन बनता है। मतलब जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी रहेगी सॉल्वेंट के अंदर में, जिससे आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा, उसके नेचर के ऊपर में भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, अच्छा है, खराब है, पोलर है, नॉन पोलर है। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर में कम्प्लीटली पूरा का पूरा आपका गेम डिपेंडेंट है। तो चलिए अब देखते हैं अपने फर्स्ट फैक्टर को, जो कि है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि हमेशा जो पोलार सॉल्यूट होते हैं, पोलार सॉल्यूट, वो हमेशा डिजोल्व होते हैं पोलार सॉल्वेंट में। रीजन ये है क्योंकि अगर सॉल्यूट का नेचर है पोलार, तो सॉल्वेंट का भी नेचर अगर है पोलार, तो दोनों एक दूसरे के अंदर में बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्युबल होंगे। एक ही चीज बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक।
तो जैसी चीज होती है वो वैसी चीज के अंदर में ही घुल मिल जाती है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि अगर हमारी सोच एक दूसरे के साथ मिलती है तो हमारा कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से जमता है और वो आगे वाला हमारा एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो बेसिकली बेस्ट फ्रेंड के लिए पहली कंडीशन ये है कि सोच मैच करनी चाहिए। अगर सोच मैच कर गई तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। इन द सेम फैशन सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होना है तो पहली कंडीशन ये है लाइट डिजॉल्व्स इन लाइट, नेचर मैच होना चाहिए। तो अगर सॉल्यूट है पोलर और सॉल्वेंट भी है पोलर तो बहुत बढ़िया तरीके से सोल्यूबल हो जाएंगे। इन द सेम फैशन अगर सॉल्यूट है नॉन पोलर और सॉल्वेंट है नॉन पोलर तो भी बहुत बढ़िया तरीके से वो सॉल्यूबल होंगे। तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वैसे यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन भी दे रखा है कि NaCl इन वॉटर, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली ये वही सारी चीजें दे रखी है जो अभी अपन ने पढ़ा। अब देख रहे हैं सेकेंड फैक्टर को। सेकेंड फैक्टर जो है गाइज वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो पहला अपन ने देखा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन सोल्युबिलिटी, अभी हम लोग देख रहे हैं अपने सेकेंड फैक्टर को जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। फर्स्ट फैक्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एवरीवन, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी को। चलिए डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड इफेक्ट को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी के ऊपर में क्या इफेक्ट है। तो सीधी सीधी बात करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी सोल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती जाती है और वो डिपेंड करती है एंथैल्पी के ऊपर में भी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप पानी लेते हो है ना, और पानी के अंदर में अगर आपने ठंडा वाटर लिया है और ठंडे वाटर के अंदर में आप नमक मतलब सॉल्ट को डिजोल्व करते तो बहुत टाइम लगता है। वही अगर आपने गर्म पानी लिया, थोड़ा सा हॉट वाटर लिया और उसमें अगर आप सॉल्ट को डालते हो तो वो जो सॉल्ट है वो बहुत जल्दी उसके अंदर सोल्युबल हो जाता है। अगर नॉर्मल वाटर के अंदर में आपको 10 मिनट लग रहे हैं तो हॉट वाटर के अंदर में वो 1 मिनट में सोल्युबल हो जाएगा। मतलब सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती जाती है और वो एंथैल्पी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इसमें दो टाइप की चीजें जो आपको याद रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ फटाक से, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर की है तो ऐसे केस में जो सोल्युबिलिटी है ना, सोल्युबिलिटी वो इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर की है तो सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो, और वही अगर आपकी जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है तो ऐसे केस में जो भी आपकी सोल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो। ये दो पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पूरा ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये दो पॉइंट आपने पढ़ लिया तो काम खत्म, कि प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ सेकेंड फैक्टर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस अपने थर्ड फैक्टर को जो कि है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी के ऊपर में, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रेशर जो होता है। देखो सोल्युबिलिटी जो है हम लोग तीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस जो करने वाले ना वो जरा ध्यान देना क्या क्या डिस्कस करने वाले, एक सेकेंड। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोल्युबिलिटी जो है सॉलिड की कैसे क्या है, सोल्युबिलिटी जो है वो गैस की, एक सेकेंड, सोल्युबिलिटी सॉलिड की कैसी है, लिक्विड की कैसी है और गैस की कैसी है, तीनों सोल्युबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉलिड ही कंसिडर कर रहे हैं लिक्विड ही कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग दोनों कंसिडर कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि सॉलिड जो होता है उसका प्रेशर नहीं होता है, सॉलिड का प्रेशर हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड का भी प्रेशर हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन हाँ जो गैसेस होते हैं उनको तो भाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना, एक ही चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखी और वो चीज गाइस ये है कि सॉलिड जो होता है हम लोग उस पर प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, लिक्विड पे भी इफेक्ट नहीं होता है, बट गैस को अच्छा खासा प्रेशर होता है। तो प्रेशर जो होता है वो डिसाइड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मतलब आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड की सोल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो गैसेस होती है उस पर प्रेशर हाईली डिपेंड करता है, गैसेस की सोल्युबिलिटी प्रेशर के साथ साथ चेंज होती जाती है। ठीक है, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है मैंने अभी तीनों फैक्टर्स देख ली सोल्युबिलिटी के जो इफेक्ट करते हैं, पहला था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट,
सेकेंड था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी, थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। अब डिपेंड करता है, मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रेशर जो होता है वो गैसेस की सोल्युबिलिटी को तो डिसाइड करता है, तो कैसे क्या डिसाइड करता है, कैसे प्रेशर गैसेस की सोल्युबिलिटी के साथ वेरी करता है। तो एग्जैक्टली उसके बाद में सेकेंड टाइप का जो एक है कंसेप्ट जो है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपको बताता है कि गैसेस की जो सोल्युबिलिटी है वो प्रेशर के साथ साथ कैसे क्या वेरी करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपने यहाँ ये देखा कि सोल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर को, मतलब गैसेस की सोल्युबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर में वो इंक्रीज होते जाती है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो हमेशा दो चीजें आती है, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे आ गए इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट। याद रखना है कि ये जो कॉन्स्टेंट है KH, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट और हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। इस चीज को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि KH मतलब ही होता है हेनरी कॉन्स्टेंट और हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। P जो होता है उसको प्रेशर बोलते हैं, S जो होता है उसको सोल्युबिलिटी बोलते हैं। इसी के साथ साथ आपको हेनरी कॉन्स्टेंट का यूनिट भी याद होना चाहिए, मोर लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ये यूनिट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है डिफाइन हेनरी लॉ, एक्सप्लेन हेनरी लॉ एंड ऑल्सो गिव द यूनिट ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट। तो ये दो मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क करो और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। बेसिकली जो एक्सेप्शन टू हेनरी लॉ है वो डिलीट हो गया है, तो वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन टू हेनरी लॉ जो है वो अभी कोविड आपका चल रहा है ना, कोविड का सिनेरियो, तो बेसिकली रिड्यूस्ड पार्ट में वो आ गया, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है जो कम्प्लीटली हेनरी लॉ के ऊपर में बेस्ड है, जिसमें आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही काम करना है एस इक्वल्स टू के एच इंटू पी, ये वाले इक्वेशन का यूज करना है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट दो टाइप के सोल्यूशन दिए, पहला सोल्यूशन और सेकेंड सोल्यूशन। ये है आपका फर्स्ट सोल्यूशन और ये है आपका सेकेंड सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन में उसने आपको सोल्युबिलिटी और प्रेशर का वैल्यू दिया है, सेकेंड सोल्यूशन में उसने आपको प्रेशर का वैल्यू दिया है। तो अब आपको पूछ रहा है वो कि सेकेंड वाले सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो उसने ऐसे दो टाइप के सॉल्यूशन दिया है इस न्यूमेरिकल में, पहले सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी और प्रेशर बता दिया और जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसका सिर्फ प्रेशर ही बताया, उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उसने नहीं बताया। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि आप फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए KH निकाल लो और ये KH का वैल्यू यूज करके सेकेंड वाले सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी निकालो। ये छोटा सा माइंड वाला कंसेप्ट है जिसको आपने अगर पढ़ लिया तो ये न्यूमेरिकल आपसे यूली सॉल्व हो जाएगा एकदम फास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी और प्रेशर दिया है तो KH निकाल लो, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और वो हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू सेकंड वाले सॉल्यूशन में यूज करो और उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में बिल्कुल हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर में बेस्ड है, यहाँ पे भी आपको वही इक्वेशन यूज करना है एस इक्वल्स टू KH इनटू पी, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये इक्वेशन में एक चीज याद रखना है भाई कि जो कंसंट्रेशन होता है कभी भी आपको सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है कंसंट्रेशन। दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि अगर आपको हमेशा कंसंट्रेशन पूछा जाएगा, लेकिन आप समझ जाना कि कंसंट्रेशन पूछ के वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। याद रखना कंसंट्रेशन मतलब ही सॉल्युबिलिटी होता है, ये चीज दिमाग में फिट कर लो। तो कभी भी अगर उसने हेनरी लॉ का क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें उसने हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, तो ये लॉ से, ये नाम से आपको समझ जाएगा कि हेनरी लॉ इसमें यूज हो रहा है, लेकिन याद रखना कंसंट्रेशन मतलब ही सॉल्युबिलिटी होता है। उसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इन लिक्विड, ये चीज अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है वो आपको दिया है राउल्स लॉ ने, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि राउल्स लॉ कहता क्या है, जरा ध्यान देना है पे। राउल्स लॉ ये कहता है, राउल्स लॉ ने यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया है, ये वाला एक्सप्रेशन राउल्स लॉ कहता है। तो देखते हैं राउल्स लॉ क्या कहता है। राउल्स लॉ ये कहता है कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट को, मोल फ्रैक्शन इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो याद रखना है राउल्स लॉ क्या कहता है, एक मैं यहाँ लिख देती हूँ। राउल्स लॉ ये कहता है गाइस कि जो भी पार्शियल प्रेशर होता है, जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, जो भी पार्शियल प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन को
इनटू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये होता है आपका राउल्स लॉ। जिसको ये चीज समझ गई वो पूरा का पूरा लिख सकता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो हमेशा प्रोडक्ट होता है दो टाइप की चीजों का। और कौन सी दो टाइप की चीजें हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। देखो यहाँ पे ये जो P1 है ये है पार्शियल प्रेशर, X1 जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और P1 naught जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो P2 जो है वो है पार्शियल प्रेशर, X2 जो है वो है मोल फ्रैक्शन, और P2 naught जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये डेरिवेशन अगर आप नहीं करते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन ये वाला कभी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको ये वाला लॉ याद रखना है, लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है, और स्टेटमेंट लिखने के बाद में ये वाली चीज आपको वहां लिखनी पड़ेगी कि कौन क्या डिनोट करता है, और साथ साथ ये कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। चलिए आगे देखते हैं। ये ग्राफ दे रखे है कुछ, ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीटली वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। ये इसको फिलहाल नहीं किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते। पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दैट आई विल टेल यू, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली सॉल्यूशन के दो टाइप्स। तो सॉल्यूशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं, पहला होता है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो आइडियल सॉल्यूशन, इसका नाम ही है आइडियल। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना है ना, दो टाइप के लोग होते हैं, आइडियल पर्सन और नॉन आइडियल पर्सन। इन द सेम फैशन सॉल्यूशन के भी वैसे ही दो टाइप होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल बच्चा मतलब वो बच्चा, आइडियल स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, जो अपने पापा मम्मी की सारी बातें मानता है, जो बहुत ही अच्छा है, जो बिल्कुल ही कोई कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है, बहुत पढ़ाई करता है, पापा मम्मी की सुनता है, टीचर्स की सुनता है, वो हो गया आपका आइडियल स्टूडेंट या आइडियल बच्चा। इन द सेम फैशन सॉल्यूशन में भी दो टाइप से। अब पहला है आइडियल सॉल्यूशन, ये बिल्कुल आइडियल बच्चे के जैसा ही है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, वो होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। याद रखना है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो इसकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है वो हमेशा इक्वल्स टू जीरो होती है। याद रखना, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। इसी के साथ साथ आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। तो आपने यहाँ ये देखा कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। ये वाला पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका सोल्यूट सॉल्वेंट है, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस कंपैरेबल होते हैं, मतलब आप एक दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। ये वाला जो एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलिन, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है। जरा इधर ध्यान देना सारे के सारे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको बेस्ट तरीके से समझ जाएगा। तो सेकंड टाइप का सॉल्यूशन जो है वो है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, जैसे कि आइडियल राउल्स लॉ को ओबे करता है, तो नॉन आइडियल राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि जो भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए जो भी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सिमिलरली जो भी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होता है वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। इसी के साथ साथ इनका जो भी सोल्यूट सॉल्वेंट होते हैं या सॉल्वेंट सॉल्वेंट होते हैं या सॉल्वेंट सोल्यूट होते हैं, ये जो इंटरेक्शन है ये कंपेरेबल नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग में लगाना है, आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज याद कर लो, नॉन आइडियल में उसका उल्टा कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब ये कुछ डेविएशंस है कि राउल्स लॉ से डेविएशन कैसे क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। हाँ, लेकिन आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी कॉम्बिनेशन याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बेंजीन प्लस टोलिन जो है वो बढ़िया सा एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। इन द सेम फैशन जो भी आपका फिनॉल प्लस एनिलीन है वो एग्जाम्पल किसका है, वो आप देख लो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ऐसे आप याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को।
कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है और उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। याद रखना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर में डिपेंड करती है, कितने सोल्यूट मोलिक्यूल है, कितने सोल्यूट मोलिक्यूल उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उनके नेचर के ऊपर में, मतलब ही उनकी क्वालिटी के ऊपर में कभी भी वो डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग शर्ट खरीदने जाते हैं तो शर्ट दो टाइप के होते हैं। पहला 1000 रुपीज में एक ही शर्ट आता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन अमाउंट कम होता है, और दूसरा 1000 रुपीज में 10 शर्ट आ जाते हैं 100-100 वाले, तो उसकी क्वालिटी खराब होती है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होता है ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये चारों प्रॉपर्टीज में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी हर साल पेपर में आती है। एक प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आएगा और एक प्रॉपर्टी का डेरिवेशन आएगा, बट आता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग को डिस्कस करने से पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअरिंग तो तभी पढ़ेंगे ना भाई जब आपको पता होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर ये कहता है कि जो भी प्रेशर कोई वेपर एग्जर्ट करता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर में, क्योंकि नाम ही है वेपर प्रेशर, तो नाम से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी प्रेशर कोई भी वेपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर में एग्जर्ट करता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। याद रखना, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, क्योंकि नाम है वेपर प्रेशर, तो जो भी प्रेशर वेपर एग्जर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर में उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। और वेपर प्रेशर लोअरिंग कैसे क्या हो रहा है वो अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखो, वेपर प्रेशर लोअरिंग ये कहता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो 2 बीकर लेने वाले हैं, तो मैंने सबसे पहले 2 बीकर को कंसिडर किया। पहले बीकर में अपन लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को लिया, तो फर्स्ट बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, और सेकेंड बीकर में सॉल्वेंट भी लिया, और सॉल्वेंट के साथ साथ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी लिया, ठीक है। तो फर्स्ट बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को लिया, और सेकेंड बीकर में आपने सॉल्यूशन को लिया, जिसके अंदर में 2 टाइप की चीजें हैं, सॉल्वेंट भी है और उसी के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। ये 2 टाइप की चीजें आपने ली। अब देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ये किया, जब आप इसको हीट करेंगे और इसी के साथ साथ आप इस सॉल्यूशन को भी हीट करेंगे, तो जब आप फर्स्ट सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ये बहुत इजीली वेपराइज हो जाएगा, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है ये कैसा है, बहुत ज़्यादा है। वही अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड वाले सॉल्यूशन की, तो सेकेंड वाले सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे तो ये बढ़िया तरीके से वेपराइज नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न देखो क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो सरफेस था वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसके वजह से वो वेपराइज नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग का एक कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप ओनली सॉल्वेंट लेते हो तो वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाएगा, और अगर आपने सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसके वजह से वो कम्प्लीटली वेपराइज नहीं हो पाएगा इजीली। देखो, ये बहुत कम वेपराइज हो पा रहा है, ये देखो सॉल्वेंट बहुत इजीली वेपराइज हो पा रहा है, बट सॉल्यूशन वेपराइज नहीं हो पा रहा इजीली, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया है ना, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, इसलिए नाम भी क्या है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। समझे या नहीं समझे, वही वाली चीज यहाँ पे दे रखी है। चलिए, फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग का एक एक्सप्रेशन दिया है, तो P1 naught - P1, ये होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग। डेल्टा P जो होता है इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग। याद रखना, वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब ही होता है डेल्टा P। P1 naught जो है ना, ये है आपका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। याद रखो, P1 naught वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, और P1 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्स लॉ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब देखो, ये वाली चीज तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर को 2 मार्क के लिए इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि गिव द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। तो आपको याद रखना है इसका नाम रिलेटिव क्यों है। इसका नाम रिलेटिव इसलिए क्योंकि आपने लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर तो लिया और उसके नीचे में आपने लिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके रिलेटिव में आपने इसको लिया है, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिलेटिव में आपने वेपर प्रेशर को लिया उसके रिलेटिव में, इसलिए उसका नाम भी क्या है, इसीलिए उसका नाम है रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो याद रखना अगर आपको सिर्फ पूछा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही पूछा गया है तो ऐसे केस में आप लोग डेल्टा पी लेंगे, बट अगर आपको पूछा गया है रिलेटिव तो आपको किसी के रिलेटिव में उसको लेना पड़ेगा। अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है तो ऐसे केस में आप लोग डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट लेंगे, क्योंकि अब आपको उसने रिलेटिव में पूछा है उसके रिलेटिव में, ठीक है। अब डेल्टा पी का वैल्यू तो आप सभी को पता है, पी वन नॉट माइनस पी वन, और ये वाली चीज एज इट इज। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये होता है रिलेटिव लोअरिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ये भी बात याद रखना है गाइस कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसेप्ट को यूज करके। तो वही वाली चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। याद रखना डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रीजन ये है क्योंकि आपने इसके रिलेटिव में इसको लिया। इसका वैल्यू होता है एन टू अपॉन एन वन, जैसे कि यहाँ पे इसको दे रखा है। एन टू का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब ही डब्ल्यू टू अपॉन एम वन एम टू। देखो एन टू मतलब होगा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू और एन वन मतलब होगा डब्ल्यू वन अपॉन एम वन। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है एन टू अपॉन एन वन के। एन टू मतलब होता है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू और एन वन मतलब होता है डब्ल्यू वन अपॉन एन वन। तो कुछ भी नहीं करना है, एन टू और एन वन के वैल्यूज पुट अप करना है। तो एन टू की जगह पे मैंने लिखा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू और एन वन की जगह पे मैंने लिखा डब्ल्यू वन अपॉन एन वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यही वाले कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें वो आपको पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब वो आपको पूछ रहा जो है ना वो है मॉलिक्यूलर मास, मतलब एम टू, वो आपको एम टू का वैल्यू पूछ रहा है। बाकी उसने ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है और सिर्फ ये एक वैल्यू एम टू कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो पी वन नॉट है वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। याद रखना पी वन नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी वन जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी के साथ साथ जो एन टू है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका वैल्यू होता है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, और एन वन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसका वैल्यू होता है डब्ल्यू वन अपॉन एम वन। याद रखना अगर एन टू लिया है तो डब्ल्यू भी टू और एम भी टू, और अगर एन वन लिया है तो डब्ल्यू भी वन और एम भी वन। एन टू है तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, क्योंकि टू टू टू, एन वन है तो डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, वन वन वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें से जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या कहता है। अब नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाला है। एलिवेट होना मतलब ही इंक्रीज होना, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या कहता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का एक एक्सप्रेशन है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। अब ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोग समझने वाले कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का एक्सप्रेशन आपको क्या कहता है।
एक सेकेंड। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेपर प्रेशर लोडिंग, इसको पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कंसेप्ट के थ्रू। अब जरा इधर ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं दो टाइप के सॉल्यूशन को कंसिडर कर रही हूँ। ये है पहला सॉल्यूशन और ये है मेरा सेकेंड सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन ध्यान देना, पहले केस में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही लिया। पहले केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही लिया और सेकेंड केस में मैंने सॉल्वेंट को भी लिया और इसी के साथ साथ उसके अंदर में सोल्यूट को भी डाला। मतलब ये आप बोल सकते हो कि सेकेंड केस में मैंने सॉल्यूशन को लिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट लिया और सेकेंड केस में मैंने क्या किया, सेकेंड केस में मैंने सॉल्वेंट के साथ में सॉल्यूट को भी लिया, मतलब ही मैंने सेकेंड केस में सॉल्यूशन को लिया। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है ना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो इस तरीके से यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको भी करती हूँ हीट और अगर मैं इसको भी करती हूँ हीट, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की। देखते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली कौन सी चीज ऑब्जर्व की। यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो ये कम्प्लीटली बॉयल हो जाएगा और बहुत जल्दी बॉयल होगा। मतलब इसका जो बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, इसके बॉइलिंग का टेम्परेचर कम है। रीजन ये है क्योंकि जो भी आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर में पूरा का पूरा वो प्योर सॉल्वेंट है तो वो बहुत इजीली बॉयल हो जाएगा। बट अगर मैं वही बात करती हूँ सॉल्यूशन की, जिसके अंदर में सॉल्यूट भी है और जिसके अंदर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों उसमें प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर में दो टाइप की चीज़ें, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो वो इतने इजीली बॉयल नहीं होंगे। तो इसका इसको बॉयल करने के लिए जो मुझे टेम्परेचर लगेगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है ना। इसका मतलब जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हो तो बॉइलिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग का टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, इसीलिए उसका नाम भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। तो अब आई होप सभी को क्लियर हो गया है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होता है वो होता क्या है। तो जब आप सॉल्वेंट को लेंगे तो वो बहुत इजीली बॉयल हो जाएगा, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है। बट वही अगर आपने सॉल्वेंट के अंदर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जिससे कि सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, इसलिए आप उसको बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कर्व दे रखा है, ये वाला जो कर्व है इसको बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लो क्योंकि ये जो कर्व है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्व है, तो उसको अच्छे से समझ लो कि क्या कहता है वो कर्व, ठीक है। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का एक कंसेप्ट दे रखा है कि जो भी डेल्टा टीवी होता है, डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी को। याद रखना कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो हमेशा दो चीज़ें आती है, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट। जो भी बॉइलिंग पॉइंट के केस में कॉन्स्टेंट आता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो भी कॉन्स्टेंट आता है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और उसका एक और नाम है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और उसका एक और नाम है एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये तीनों नाम आपको याद रखने। तो क्या क्या बताया मैंने, मैंने आपको ये बताया कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होता है मतलब ही डेल्टा टी वी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम को, मतलब ही मोलालिटी को। अगर मोलालिटी इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी इंक्रीज होगा। जब इसको हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आएगा। फिर आपने ये देखा कि ये जो कॉन्स्टेंट है के बी, इस के बी के तीन नाम हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अगर एम का वैल्यू आपने वन कर दिया तो डेल्टा टी वी के बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एम का वैल्यू अगर वन कर दिया ना तो डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी। और इसी के साथ साथ आपको इसका यूनिट भी याद रखना है, जनरली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो के बी क्या है और इसी के साथ साथ एक्सप्लेन करो के बी का यूनिट क्या है। ये दो चीज़ पेपर में बहुत बार दो मार्क के लिए पूछा जाता है कि डिफाइन के बी क्या है और उसका यूनिट क्या है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है जिस प्रोसेस से आप बॉइलिंग पॉइंट को निकालते हैं उसको एबुलियोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है।
तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट को बोला जाता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एबुलियोस्कोपी। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको एक इक्वेशन आ रहा है, जिस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली हम लोग वो इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि वो इक्वेशन क्या कहता है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस एक फॉर्मूले को, और ये जो फॉर्मूला है ये रिलेटेड है आपके बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यू से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के इससे कम्प्लीटली रिलेटेड है। देख लेते हैं ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि डेल्टा टी वी मतलब ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू के बी। के बी के बाद में देखो आपको क्या लिखना है, के बी के बाद में आपको लिखना है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन 1000। ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। रीजन ये है क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर में हर साल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है, हर साल आता है। तो इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लो कि ये जो फॉर्मूला है ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू वन। डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी है मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू मतलब होता है मास, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू, डब्ल्यू वन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी फॉर्मूले से आप एक और फॉर्मूला एम टू के टर्म्स में निकाल सकते हो। अगर आपको एम टू के वाला फॉर्मूला बनाने का तो उसको रट्टा मत मारो, ये फॉर्मूले को देखकर आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। एम टू को ऊपर लेके चले जाओ तो आप देखो क्या करेंगे आप लोग, एम टू को आप ऊपर लेके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी पी। बस मतलब आपने यहाँ पे ये देखा गाइस कि ये वाला जो साइड वाला फॉर्मूला है ये बिल्कुल इससे ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है कि टू नंबर जो होता है वो हमेशा हम लोग सोल्यूट के लिए यूज करते हैं, और वन नंबर जो होता है वो हमेशा हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। ये चीज दिमाग में फिट कर लो। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखना है कि W मतलब हमेशा मास होता है और M मतलब हमेशा मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको आप मोलर मास भी बोल सकते हो। तो ये पॉइंट को आप याद कर लो कि वन मतलब सॉल्वेंट, टू मतलब सोल्यूट, W मतलब मास और M मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ W2, तो W2 फिर क्या हुआ, W2 मतलब मास और 2 मतलब सोल्यूट, तो ये हुआ मास ऑफ सोल्यूट। अगर मैं बात करती हूँ W1 की, तो W मतलब मास, M मतलब सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करती हूँ M2 की, तो M मतलब मॉलिक्यूलर मास और 2 मतलब सोल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और अगर मैं बात करती हूँ M1 की, तो M मतलब मॉलिक्यूलर मास और 1 मतलब सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पूछ रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कि M2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे क्या आप लोग M2 का वैल्यू निकालते हो, तो बस यही वाले फॉर्मूले को यूज करो, करना कुछ भी नहीं है, वैल्यूज को पुट अप करो यहाँ पे और M2 का वैल्यू निकाल लो। फिर ये डुप्लीकेट वैसा का वैसा ही न्यूमेरिकल दूसरा इसमें फॉर्मूला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यूज को निकालने का है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान देना जरा यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग दो टाइप के बीकर को कंसिडर करेंगे, दो टाइप के बीकर को कंसिडर करने वाले। फर्स्ट बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, फर्स्ट बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, और सेकेंड बीकर के अंदर में सॉल्वेंट तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ सेकेंड बीकर के अंदर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी प्रेजेंट है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सेकेंड बीकर में सोल्यूशन है, और सॉल्यूशन में दो चीजें, एक है सॉल्वेंट और उसी के साथ साथ सॉल्यूशन के अंदर में आप सभी को ये जो डॉट डॉट दिख रहे ना, ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो दो बीकर कंसिडर किए, एक में है सॉल्वेंट और दूसरे में है सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर मैं फर्स्ट बीकर की बात करती हूँ
तो फर्स्ट बिकर के केस में आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की एवरीवन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज आपने फर्स्ट बिकर के अंदर में क्या ऑब्जर्व की। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट बिकर में आपने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है, आर हाई। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस बिकर के अंदर में सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स है। आप ही बताओ भाई, उस बिकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब उसके सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा है, स्ट्रांग है। बट वही अगर मैं बात करती हूँ सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में आपने यहाँ ये देखा कि सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे है, वो वीक है। तो जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो यहाँ पे आपने दो पॉइंट कंसिडर किया। पहला पॉइंट ये है गाइस कि फर्स्ट केस में जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और सेकंड केस जिसमें सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, वो ज्यादा होगा, और इसका जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू है वो कैसा होगा, वो कम होगा, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। और सॉल्यूशन के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज का मतलब ही क्या होता है, डिक्रीज का मतलब ही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप सभी को ये कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। पहला बिकर जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को लिया, सेकंड बिकर जिसमें सॉल्यूशन को लिया, सॉल्यूशन जो है उसको फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लगता है, सॉरी सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूशन लिया, सॉल्वेंट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगा, सॉल्यूशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी उसके बीच में है, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी कैसा है, कम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, वीक है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब ही डिप्रेस हो रहा है, तो उसको आप लोग बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद में अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोग एक ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो। एक सेकेंड, जो भी ये पार्ट मैंने आपको समझा के दिया इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइस एक ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये ग्राफ बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ग्राफ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो जो भी डेल्टा टीएफ होता है ना, डेल्टा टीएफ याद रखना गाइस कि डेल्टा टीएफ का मतलब ही होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी को। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी को। जब आप प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो दो चीजें आएंगी, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट। आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपने मोलालिटी का वैल्यू 1 रख दिया, सपोज डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ और आपने मोलालिटी का वैल्यू 1 रख दिया, तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, केएफ के इक्वल। फिर आपको सेकेंड थिंग ये याद रखना है कि केएफ मतलब होता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। याद रखना केएफ को क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है, और इसी के साथ साथ इसको मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है। इसका जो यूनिट है वो ऐसे निकालते, और इसका जो भी यूनिट आएगा वो यूनिट केएफ केवी के बराबर है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें ऑब्जर्व की, जो भी चीज ऑब्जर्व की वो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरा ध्यान देना। चलो जरा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने देखा बॉइलिंग पॉइंट को, और फिर आप लोगों ने देखा भाई फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप डेल्टा टी बी लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग है
इसलिए यहाँ पे भी आपने क्या लिखा, यहाँ पे भी आपने डेल्टा टी भी लिखा। और फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे आपको एफ दिख रहा है तो आप लोग लिखते हो डेल्टा टी एफ, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप लिखते हो डेल्टा टी बी और फ्रीजिंग पॉइंट में आप लोग क्या लिखते हो डेल्टा टी एफ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हो, जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, मतलब ही आपका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू एलिवेट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गया इतना, कि जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए उसको आप लोग बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड केस आप लोग फ्रीजिंग का डिस्कस कर रहे हो कि जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो डिक्रीज होता है, इसी को आप लोग बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, एलिवेट होता है, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। डेल्टा टीबी का जो वैल्यू आप लिखते हो वो लिखते हो डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट, और जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू है वो आप लोग लिखते हो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, फिर आगे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के केस में एक्सप्रेशन देखा कि डेल्टा टीबी जो होता है वो के बी इंटू एम के बराबर होता है, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा। इन द सेम फैशन जो डेल्टा टी एफ है वो के एफ इंटू एम के बराबर है, अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ आएगा, तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ। आगे का पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो के है इस के का नाम होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कि इस के बी का मतलब होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है एबुलियोस्कोपी, जो बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो के एफ होता है इसको आप लोग बोलते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना के एफ को आप लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हो और उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रायोस्कोपी। ठीक है, ये चीज दिमाग में फिट कर लो, इस प्रोसेस को हम लोग क्रायोस्कोपी बोलते हैं। तो मैंने एकदम बढ़िया तरीके से छोटे से चार्ट के फॉर्म में पूरी पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग ये वाले फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो, चाहे आप फ्रीज बोलो चाहे आप बॉइलिंग वाला बोलो, फॉर्मूला दोनों में सेम है। ठीक है, सिर्फ आपको एफ अगर आप लगाते हो तो फ्रीजिंग और बी लगाते हो तो बॉइलिंग, ये वाले फॉर्मूले को यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब जो लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस को, और ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को समझने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, लेट अस कंसीडर कर लो कि ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है खुद के थ्रू, मतलब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, लेकिन जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको वो अलाउ नहीं करती। ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को खुद के थ्रू पास होने देती है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती। रीज़न ये है क्योंकि जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज स्मॉल होता है, और जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज लार्ज होता है, इसलिए वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है खुद के थ्रू पास होने के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, ये डेफिनेशन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस के डेफिनेशन, जो भी नेट फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू दी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं आप लोग ऑस्मोसिस। याद रखना ऑस्मोसिस के बीच में यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
याद रखना जो भी मेम्ब्रेन आप बीच में लगाते हो उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है बट सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती खुद के थ्रू पास होने के लिए। ये भी आपको याद रखना है, इतना सारा चीजें आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ ऑस्मोसिस में आप इतना याद रखो कि अगर लो कंसेंट्रेशन से मूवमेंट हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, लो टू हाई, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। याद रखना लो कंसेंट्रेशन से अगर मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, ऐसे याद करो। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वो प्रेशर जिससे आप ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहे हो, क्योंकि नाम ही है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर विच इज यूज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रेशर जिससे आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हो, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में गाइस होते हैं टोटल थ्री टाइप के सॉल्यूशंस। पहला होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपका हाइपरटोनिक, और थर्ड होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन दोनों चीजों को समझ लेते हैं। आइसो अगर मैं बात करती हूँ आइसो की, तो आइसो का मतलब होता है सेम, और जो टोनिक होता है ना टोनिक का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दो सॉल्यूशन जो है उनका कंसेंट्रेशन सेम है, सपोज इसका कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर तो इसका भी कंसेंट्रेशन है 5.5 मोलर, अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन सेम है तो ऐसे केस में आप लोग उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम और टोनिक का मतलब कंसेंट्रेशन। तो अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आप देखते हो 0.1 मोलर यूरिया को और 0.1 मोलर सुक्रोज को, तो 0.1 मोलर यूरिया में भी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर और सुक्रोज में भी है कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, मतलब दोनों का ही कंसेंट्रेशन कैसा है सेम है, इसलिए उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक का मतलब ये हुआ गाइस कि अगर मैं दो टाइप के सॉल्यूशन कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, एक का सपोज कंसेंट्रेशन है लेट अस से 0.5 और एक का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.01, तो जिसका कंसेंट्रेशन है ज़्यादा वो रहता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा, याद रखना हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है और टोनिक का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसेंट्रेशन है ज़्यादा, जिसका कंसेंट्रेशन है हाइपर, उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन द सेम फैशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसेंट्रेशन है कम, उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम। तो आइसो का मतलब होता है, याद रखना आपको तीन चीजें, आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। तो अगर कंसेंट्रेशन है सेम तो आप लोग उसको बोलते हो आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो जिसका कंसेंट्रेशन है ज्यादा वो हाइपरटोनिक, और हाइपो का मतलब होता है कम, तो जिसका कंसेंट्रेशन है कम वो हाइपोटोनिक। फिर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है पाई इक्वल्स टू एन टू इन टू आर टी अपॉन वी, जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पाई मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखना पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसी के साथ साथ आर जो होता है उसका वैल्यू होता है 0.0826, याद रखना मैक्सिमम केसेस में आप आर का जो वैल्यू ले लेते हो वो 8.314 ले लेते हो, बट याद रखना कि अगर आप ऑस्मोसिस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप आर का वैल्यू 8.314 मत लेना, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आर का वैल्यू 0.0821 ही वैल्यू लेने का, लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, यही वाला वैल्यू लेने का। रीजन ये है क्योंकि आप जो प्रेशर यूज कर रहे हो वो एटमॉस्फेयर में है, आप जो वॉल्यूम यूज कर रहे हो वो लीटर में है, इसीलिए हम लोग आर का वैल्यू ये वाला यूज करते हैं 0.0821 और 8.314 को यूज नहीं करते। फिर उसके बाद में है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ही ऑस्मोसिस का उल्टा, इतना समझ लो। अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपका पूरा रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान देना सारे के सारे। अगर मैं बात करती हूँ ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, इधर देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात कर रही हूँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट की, तो वो होता है लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। याद रखना
ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, बट अगर मैं बात करती हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की, उसका नाम ही है रिवर्स, मतलब ही ऑस्मोसिस का एग्जैक्टली अपोजिट। तो अगर मैं बात करती हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो आपको बस इतना ही याद रखना है ऑस्मोसिस का उल्टा कर दो, मतलब ही मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो इतना याद कर लो बेसिकली कि अगर लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जा रहे हैं तो ऑस्मोसिस, और अगर हाई टू लो जा रहे हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद कर लो लो टू हाई, तो रिवर्स क्या रहेगा, हाई टू लो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें आपको एम टू का वैल्यू, मतलब ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट का वैल्यू निकालना है, और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है और एम टू का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए उसके बाद में देखे थे हम लोगों ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो जैसे कि वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो याद रखना कि जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, वो हमेशा हायर होती है देन दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अच्छे से दिमाग में इसको फिट कर लो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, अगर मैं बात करती हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो याद रखना सभी लोग कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमेशा ज्यादा होती है देन दैट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो वैन डॉट फैक्टर है ये पूरी तरीके से डिलीट हो गया, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, इसको नहीं पढ़ना है, जो फिर रिलेटेड है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पोर्शन भी डिलीट हो गया है, ये वाला पोर्शन भी डिलीट हो गया है, पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, ये वाला पोर्शन भी आपका डिलीट हो गया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, ये पोर्शन भी डिलीट हो गया है, ये पोर्शन भी आपका पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, ये पोर्शन भी आपका डिलीट हो गया है, ये वाला पोर्शन भी आपका पूरा डिलीट हो गया है। हाँ, ये पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पूछ रखा है, यहाँ पे आपको ये पूछा है कि डेल्टा टीबी जो है वो किसका मैक्सिमम होगा और डेल्टा टीएफ जो है वो किसका मिनिमम होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको बस एक ही कंसेप्ट को याद रखना है, उससे पूरा काम हो जाएगा। कंसेप्ट देखो क्या कहता है, कंसेप्ट आपका यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो आपको याद रखना है, डेल्टा टीबी जो है ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, यही चार ऑप्शन रहते हैं और कुछ नहीं रहता। तो डेल्टा टीबी उसी का मैक्सिमम रहता है जिसका टोटल कंसेंट्रेशन रहता है ज्यादा, जिसका टोटल कंसेंट्रेशन है ज्यादा उसका डेल्टा टीबी मैक्सिमम, और डेल्टा टीएफ उसी का मिनिमम रहता है जिसका टोटल कंसेंट्रेशन रहता है कम। तो अगर टोटल कंसेंट्रेशन है ज्यादा तो डेल्टा टीबी का वैल्यू भी क्या रहेगा, ज्यादा, और अगर जिसका टोटल कंसेंट्रेशन है कम उसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी क्या रहेगा, कम। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की एवरीवन, और देखते हैं वो चीज क्या है। वो चीज आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की, अगर आप चारों को कंसिडर करते हो तो पहले वाला का जो कंसेंट्रेशन है सभी केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो AlPO4 का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। देखो फर्स्ट का है 0.2, सेकंड का है 0.1, थर्ड का है 2.0 और फोर्थ का है 0.2। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है 2.0 की, कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और जिसका कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीबी का वैल्यू भी कैसा रहेगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि चारों में इसका कंसेंट्रेशन है सबसे ज्यादा, मतलब डेल्टा टीबी का वैल्यू मैक्सिमम। वही अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो चारों के चारों केसेस में इसका जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन वो सबसे कम है, और जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम रहता है उसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी कैसा रहता है, सबसे कम, समझ गए ना। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू उसी का ज्यादा रहेगा जिसका, सॉरी, डेल्टा टीबी का वैल्यू उसका ज्यादा रहता है जिसका कंसंट्रेशन है ज्यादा। चारों में कंसंट्रेशन AlPO4 का ज्यादा है जिसके वजह से इसका डेल्टा टीबी ज्यादा है। चारों में NaCl का कंसेंट्रेशन है सबसे कम टोटल वाला, इसलिए उसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी क्या है, सबसे कम। उसके बाद ये पोर्शन डिलीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखो भाई
सर आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राइट, तो आप अपने आपके बस एक ही काम आपको करना है कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है ताकि खुद का भी भला हो और सबका भी भला हो राइट। और सेकेंड थिंग ये भी है कि आपको लाइक शेयर तो करना ही है भाई, क्योंकि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स के भी तो वीडियो लेके आने वाली हूँ ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।